सरला दीदी के भी निमित्त, गीता बहन के भी निमित्त, और भी कई आत्माओं के निमित्त भी विशेष भोग था। तो जाने के साथ जब बाबा को याद दी तो बाबा कहने लगे, पूछने लगे कि बच्ची अंत के समय के दो दो शब्द क्या होते हैं। तो अभी मैं एक सेकंड तो सोच में पड़ गया, अब दो दो शब्द क्या होते हैं, क्या सुनाऊं। तो सुना दिया बाबा को, मन मनाभव मध्याजीभव अल्फ और बे। बाबा ने कहा नहीं, और बच्ची याद करो अंत के समय और कौन सी दो दो शब्द याद आते हैं। मैं शांत रही। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची जब मनुष्य आत्माओं का समय का अंत होता है तो उन्हें दो शब्द याद रहते हैं, जाना है और आना है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार अभी बाबा के बच्चे भी बाबा के घर में आते हैं और यह संकल्प करके आते हैं, संकल्प करते हैं कि हमें बाबा के घर जाना है, जब जाने का समय होता है तो बुद्धि में याद आ जाता है अब हमें वापस घर जाना है। बाबा ने कहा ठीक इसी प्रकार। बाबा ने कहा कि बाबा भी समय के अनुसार अपने बच्चों को परम धाम से बच्चों को नीचे आत्माओं को भेजते हैं। इस रंग मंच पर तो उस समय भी आत्माओं को ये भान होता है कि हमें नीचे जाना है, और जब पाठ पूरा होने को होता है, जब जाते हैं तो अपने घर, अपने परम धाम, नई दुनिया की स्मृति याद आने लगती है। बाबा ने कहा कि यही बच्ची ज्ञान का सार निचोड़ यही है। यदि बच्चों में भी इसी प्रकार ये दो शब्द भी सदैव याद रहे, आना और जाना है, तो बाबा ने कहा कहीं भी किसी भी बात में बच्चों की बुद्धि अटकेगी नहीं, सदैव बुद्धि उपराम रहेगी, साक्षीपन की दृष्टि रहेगी। बाबा ने कहा कि बाबा के बनने के बाद हर ब्राह्मण बच्चों को यही विशेष रूप से पुरस्कार करना है, जिस प्रकार कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ना है और सीढ़ी नीचे उतरना है। बाबा ने कहा यही ड्रामा का खेल है ना, है ना खेल यही। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को सदैव यदि बुद्धि में ये भी दो दो शब्द भी, दो दो लाइन ये याद रहती है, तो बाबा ने कहा बहुत जल्दी बच्चों की हर प्रकार से उपराम वृत्ति हो जाती है, नष्टो मोह की स्मृति आ जाती है, नष्टो मोह बन जाते हैं, और स्मृति जहाँ दो शब्दों की भूल जाती है, तो बाबा ने कहा अनेक बातें अपने मन को बहुत, बाबा ने कहा वह मन को भारी कर देती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए बाबा ने कहा कि स्थूल रीति से भी आने जाने का बच्चे पाठ बजाते हैं, और ज्ञान के आधार से भी हम बच्चों की बुद्धि में ये ड्रामा का राज सदैव बना रहे,
तो बाबा ने कहा बुद्धि फिर एक रस स्थिति को प्राप्त कर सकती है। ऐसे सुनाते हुए बाबा के सन्मुख भोग रखा था तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने विशेष सरला दीदी को, गीता बहन को और भी अन्य आत्माओं को विशेष इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि यह तो मेरी बच्ची सरला दीदी के लिए, यह तो मेरी बच्ची शुरू से ही बाबा से प्यार और यज्ञ से भी प्यार और दादियों से प्यार से भरी हुई पली हुई ये विशेष आत्मा थी। तो बाबा जैसे बड़े प्यार से जैसे मर्ज किया और बड़े प्यार से बाबा ने दोनों ही आत्माओं को बहुत स्नेह के साथ मधुबन का भोग स्वीकार कराया और बाबा ने और सभी भी सभी बच्चों को सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।